तो ये खड़ी अपनी दूसरी धन्नो और ये है हमारी राइडर हंटर 350। आज हम बात करेंगे सिटी राइड्स में मैनुअल कैसा होता है हमारे हंटर 350 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ से उड़न खटोला बना देंगे बाइक को। है उड़न खटोला नहीं, अल्लाह दीन का चिराग। लॉल टॉक टॉक, ये देखो उठती है, कहती है भगाओ, बट भगाने का नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है। ऑलवेज राइड इन स्पीड लिमिट्स, सबसे बड़ी बुलेट और माइलेज, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट ये वाली बुलेट देती है माइलेज आपको। अगर इसे प्यार से चलाओगे तो 40 प्लस की एवरेज निकाल देती है हाईवे पर, और वहीं सिटी राइड्स में आपको 35 अबव देती देती है। तो सबसे पहला सवाल कितना देती है वो आपको बता दिया। उसके बाद अगर बात करें इसको भगाएं हम छपरी राइडर्स की तरह, तो भाई ये फिर देगी आपको जैसे नेक्सोन हाईवे पे देती है 22-18 का भी निकाला मैंने इससे। अगर इसे वैसे चलाएं बिल्कुल ही रोड रूप में इस प्रकार से देखिए जरा, ये है रोड रूप। अगर इसमें चलाओगे तो ये 18 का माइलेज देगी भाई, 18-20, इससे ऊपर नहीं देगी, बट ऐसा नहीं चलाना चाहिए। तो भाई अगर अब बात करें ट्रैफिक में किस तरह से चलती है हमारी बाइक, जैसे आप देख सकते हैं अभी ट्रैफिक में चला रहा हूँ बाइक को, तो काफ़ी बढ़िया आराम से इधर उधर हो जाती है, कंट्रोलेबिलिटी जो है बाइक की काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू लाइक ये जो चल रही है सामने, इसकी भी अच्छी है, बट हाँ ये थोड़ी हैवी सी लुक देती है उस हिसाब से। ये वाली जो अपनी हंटर काफ़ी आराम से मैनूवर हो जाती है, ब्रेकिंग लाजवाब है, आगे पीछे डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है डिस्क ब्रेक वाला, और काफ़ी अच्छा काम करता है। और जो चाहिए हमें जैसे छोटे छोटे उसमें सिटी राइड सिटी में चलाने के लिए आपको थोड़ा सा क्विक एस्केलेशन चाहिए होता है ये ऐसे, तो ये सब इसमें काफ़ी बढ़िया दे रखा है, आराम से चल लेती है। हॉर्न काफ़ी अच्छा आता है, ये इसका अपना वाला हॉर्न है जो कंपनी की साइड से आता है, वही डाल रखा है, कुछ अलग से नहीं लगवाया मैंने, तो काफ़ी बढ़िया हॉर्न है देखो, और आराम से लोग हट भी जाते हैं इससे। और भाई जब इसे आप चलाओगे ना तो आपको मन करेगा और चलाया इससे जा, कमर दर्द हो रही है, यहाँ पे कलाइयों में दर्द होएगी, बट आफ्टर सम टाइम आपके हैबिचुअल हो जाओगे और आराम से इसे चलानी जा। जैसे आपको पूरा वेट शोल्डर का है वो आपको हैंडल पे नहीं डालना है, आपको बैलेंस रखना है थोड़ा पीछे, जब जाके आपके यहाँ पर जो पाम्स में दर्द होता है हथेली के पास ये कम हो जाएगा, और थोड़ा सा आप हैंडल राइजर्स भी लगवा सकते हो, उससे भी बढ़िया हो जाएगा पोस्चर थोड़ा सा। और मैंने तो क्या करा है बेसिकली सीट इसकी जो है हाइट थोड़ी इंक्रीज़ करा रखी है एक्स्ट्रा फॉर्मिंग करवा के, और अगर आप इसे डेली कम्यूटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं बड़े प्यार से, और ज़्यादा उसमें कॉस्टली भी नहीं कॉस्ट करती है ये, आराम से आपकी ऑन रोड इसका टॉप मॉडल लोगे तो 2,06,000 रुपये का आ जाता है विद आपका 3 साल का इंश्योरेंस और ये सब लगा के। एस सीरीज़ वगैरह नहीं लो इसमें, एक्स सीरीज़ इंक्लूडेड करें तो आपका ये गार्ड आ जाएगा नीचे जो लगा हुआ है ये ही मिलेगा। हाई स्पीड काफ़ी अच्छा है यार, 80 तक ये बैंड बहुत बढ़िया लगता है, 80 के बाद इसके हैंडल पे वाइब्रेशन आ जाती है, ये अपना वही पुरानी रॉयल एनफील्ड वाला से तो काफ़ी बेटर है, बट हाँ वाइब्रेशन आ जाती है इसके हैंडल पर 80 पे। अगर आप लॉन्ग टूरिंग में करें तो भाई क्रूज़ करना चाहते हैं विदाउट वाइब्रेशन हैंडल्स पे तो आपको 70-80 ही करना पड़ेगा, 80 से अबव जैसे 100 बार कराते हो इसे इसके हैंडल में वाइब्रेशन आ जाती है। तो भाई ब्रेकिंग देख सकते हो आप कितनी बढ़िया हो रखी है इसकी, एकदम जहाँ मर्जी वहाँ ब्रेक लग जाते हैं, और भाई काफ़ी आराम से ओवरटेक कर लेती है, और जैसे हमें पता है वहाँ कट है तो हम पहले हॉर्न देंगे फिर ब्रेक मारेंगे, दोनों साइड देखेंगे और निकालेंगे। तो ये थोड़े से ड्राइविंग टिप्स, ऐसे नहीं कि सीधे भगा दो और फिर साइड में से कोई यार लेकर चला जाए आपको भी, तो वो नहीं होना चाहिए। दिल्ली के ट्रैफिक के लिए बेस्ट बाइक तो नहीं कहूँगा, थोड़ी लाइट वेट होती तो बढ़िया है, 180 kg इसका कर्व वेट है आपका, बट हाँ ठीक है ये स्प्लेंडर वगैरह और एक्टिवा वगैरह चलाने से तो बढ़िया ही है दिल्ली के लिए। जिसको ऐसा है डेली का कम्यूट है आई थिंक 50 किलोमीटर तक
और उसमें थोड़ा बहुत हाईवे बढ़ता है, खुली सड़कें पड़ती है, तो ये चलाओ मज़ा आएगा। बट हाँ यार, बिल्कुल ही जाम वाला एरिया है, जैसे यहाँ पे देखते हो भीड़ भाड़ होती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत हीट मारने वाली है। तो जिनका ये काम है उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा, लाइक अब तो इलेक्ट्रिक ले लो, IQ वगैरह उठा लो, वो सही ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस लॉन्ग ड्राइव। लाइक जिसका है दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली, गुड़गांव, इन सब के लिए तो भाई बेस्ट है, क्योंकि बीच में हाईवे पड़ेगा, आराम से आप मज़ा करोगे। जहाँ घेंगे घेंगे फुल हो जाती है ना, वाइब्रेशन वगैरह करने लग जाती है अपनी सदाबहार स्प्लेंडर प्रो, वहाँ पे ये मज़ा आएगा। फिर वहाँ पे 60-70-80 क्रूज करोगे तो अलग ही मज़ा आएगा आपको, थकान भी नहीं होगी, इनमें थक जाती है बॉडी, है देख सकते हैं किस तरीके से बड़े प्यार से मैनूवर हो जाती है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ये देखो। और ये थर्ड गियर में है, थर्ड गियर में पिकअप काफ़ी अच्छा है इसका, हंटर 350 को अगर आप बिल्कुल ही एकदम ऐसे जाम वाले इलाके में, लाइक क्राउडेड प्लेस में चलाना चाहते हो तो भाई बड़े मज़े से चल जाती है, देखो प्यार से निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ ये है कि अगर ये अगर आप ज़्यादा देर चला लो इसे तो भाई ये हीट ऐसे मारता ना इसका इंजन, पूछो नहीं, पूरी भपकार देगा। सर्दियों में तो बहुत बढ़िया चलेगा, पर गर्मियों में तो बैंड बज जाता है, क्योंकि समर्स में यार यहाँ पे टेम्परेचर वही 40 अबव पहुँच जाता है, तो जब तो बाइक चलाना मुश्किल हो जाए, खासकर जाम में। बट अगर वैसे अभी जैसे मौसम ठीक है, बारिश चल रही है, मानसून है, उमस है, बट इतनी गर्मी नहीं है आज, तो कल थी, तो उसी हिसाब से बढ़िया है, चल जाता है। ऐसे जाम में से यार साइड वाला रोड ले लेते हैं, पर जाम में भी बढ़िया चल जाती है यार बाइक, कभी सेकंड गियर पे रखो आराम से निकलती रहती है। हाँ ये नहीं है कि बार बार चेंज नहीं करना पड़ता इसमें, देखो थोड़ा सा क्लच दबाया चलती रहेगी। जैसे होता है ना ये 100-150 cc वाली बाइकों में, थोड़ा सा बढ़ गए क्लच चेंज करो, फिर चेंज करो, फिर कम करो, इसमें नहीं है भाई, सेकंड में डाल दो पूरा जाम निकाल देगी आपका, थर्ड भी डाल सकते हो आप अगर थोड़ा खुला रोड हो जाए, नहीं तो सेकंड में तो बड़े प्यार से इजीली निकल देती, क्योंकि स्पीड आपकी वही 10-20-25 तक रहनी है, तो आराम से चल जाता है वहाँ पर। अब मैं जब से सेकंड गियर पे हूँ कोई दिक्कत नहीं दे रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मोटर ड्राइव ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें अगली वीडियो के लिए। बाय।